まっつ夢でなくて。वेलकम डियर रॉकर्ड, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं टॉमी मूवी। तो इस मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं सुकीकी को नाम की लड़की को, जो स्कूल में पढ़ती है और वो स्कूल में फोटो खींचने वाले क्लब में होती है। उसे फोटो खींचना बहुत ही पसंद होता है, इसीलिए वो जिस भी जगह से गुजरती है वहाँ पर फोटो जरूर खींचती है। एक दिन जब वो घर जा रही होती है तो एक नई बनती हुई बिल्डिंग के पास रुकती है और वहाँ पर भी कुछ फोटोज खींचने लगती है। वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त योशी के साथ होती है, जिसे ये बात समझ नहीं आती कि ये हमेशा ऐसी फालतू चीजों की फोटो ही खींचती रहती है, ये कभी अच्छी चीज की फोटो नहीं खींचती, जैसे उगता हुआ सूरज या डूबता हुआ सूरज। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हुए सुकीकी की सौतेली बहन टॉमी के पास जाते हैं। टॉमी तोशो नाम के एक लड़की के साथ होती है और सुकीकी को तोशो से प्यार होता है, और इसलिए जब वो अपनी सौतेली बहन के साथ उसको देखती है तो अंदर ही अंदर बहुत जलन होती है उसे। वो टॉमी को कहती है कि वो उसकी कुछ फोटोज खींचना चाहती है, और जब वो नई बनती हुई बिल्डिंग के पास खड़ी होती है, सुकीकी को लगातार उसकी कुछ फोटोज खींचती रहती है। अचानक से टॉमी उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या सोचती हो। वो आगे सुकीकी को उसे कहती है कि ये नफरत तुम्हारे लिए बाद में खतरा बन सकता है, इसलिए संभल कर रहना। अब सुकीकी इस बात को सुनकर बड़ी चौंक जाती है और उससे पूछती है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, बिल्डिंग के ऊपर से एक लोहे का डंडा आता है और कुछ ही सेकंड्स में टॉमी की गर्दन से होते हुए बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से वो बेचारी वहीं पर मर जाती है। वहां मौजूद सभी लोग ये देखकर बहुत डर जाते हैं। अब सुकीकी के हाथ से उसका कैमरा छूटकर नीचे गिर जाता है और नीचे गिरकर वो टॉमी की कुछ फोटोज अपने आप लेने लगता है। उसी वक्त टॉमी की आंख लाल हो गई होती है और वो सुकीकी की ओर घूर रही होती है। अब एक साल बाद दिखाते हैं, सुकीकी को अभी भी टॉमी की मौत के हादसे को भुला नहीं पाई है और उसे लगातार उस रात के सपने आते रहते हैं। टॉमी के बर्थडे के दिन वो और उसके माता पिता उसकी याद में केक काटते हैं, और अचानक से कोई घर के दरवाजे पर खटखटाता है। वो दरवाजे के पास जाकर पूछती है कि कौन है। अब ये सुनकर वो हैरान हो जाती है जब बाहर खड़ा व्यक्ति उसे कहता है कि वो टॉमी है। सुकीकी को भागकर अपने माता पिता के पास जाती है और उन्हें ये बात बताती है, और वो भी इस बात को सुनकर बहुत चौंक जाते हैं। उसके पिता फौरन दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि घर के बाहर टॉमी खड़ी हुई है। उन्हें पहले तो ये देखकर बहुत झटका लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुशी से उछलने लगते हैं कि उनकी बेटी जिंदा है और वापस आ गई। वो इतना खुश होते हैं कि वो उससे ये भी नहीं पूछते कि वो मरकर वापस जिंदा कैसे हो गई, और वो उसे अपने परिवार में वापस शामिल करने लग जाते हैं। अब टॉमी उनसे कहती है कि उसे भूख लगी है। फिर जब वो उसको केक खाने को देते हैं, तब वो उनसे बहुत ही इरिटेट होकर बात करने लगती है। वो अपने माता पिता से कहती है कि तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं है, मेरे आने पे तुमको बहुत अच्छा खाना बनाना चाहिए था। तभी उसकी नजर अपनी एक फोटो पर जाती है, जिसे सुकीकी ने उसकी मौत से पहले खींचा था। उसके माता पिता फोटो को बड़े प्यार से देख रहे होते हैं, लेकिन टॉमी उस फोटो पर मुक्का मारकर वहीं तोड़ देती है। अब बाद में रात को सुकीकी टॉमी के कमरे में जाती है और देखती है कि टॉमी नहा रही है। फिर टॉमी सुकीकी को एक साथ नहाने के लिए बुलाती है और फिर अपने इस बेकार सी बात पर हंस भी देती है। अगली सुबह सुकीकी खाना खाने वाले कमरे में जाती है और देखती है कि उसके पिता टॉमी के बालों को सूंघ और चाट रहे होते हैं। जब सुकीकी उनसे पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं, तब वो कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है। सुकीकी उनके अजीब व्यवहार को देखकर बड़ी हैरान हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे टॉमी ने उन पर कोई जादू कर दिया है। घर के बाहर वो देखती है कि उसकी माँ उसकी खींची हुई सारी फोटोज को जला रही होती है, और जब सुकीकी उनको रोकती है तब वो उसको बताती है कि टॉमी ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। टॉमी जैसे ही वहां पर आती है तो सुकीकी और वो फोटोज को एक दूसरे से छीनने लगते हैं। उन दोनों की इस लड़ाई के बीच टॉमी को एक धक्का भी लगता है और वो एक दीवार से जाकर टकरा जाती है, और इसके बाद उसके पिता सुकीकी पर बहुत गुस्सा करते हैं कि तुमने टॉमी को चोट पहुंचाई, और वो टेलीफोन के एक तार से उसको खूब पीटते हैं। वो तब तक उसको पीटते हैं जब तक कि टॉमी उनको रोकती नहीं। अब चोट खाए भी सुकीकी नहाने के लिए चली जाती है ताकि उसे दर्द से थोड़ा आराम मिले, लेकिन टॉमी बाथटब में उसके साथ चली जाती है। सुकीकी फिर उसे कहती है कि उसने हमेशा खुद को उसकी मौत का गुनहगार माना, और वो ये कह ही रही होती है कि तभी अचानक से लाइट्स बंद हो जाती है और एकदम झिलमिलाने लगती है। और जब सुकीकी लाइट्स की ओर परेशान होते हुए देख रही होती है, उस समय टॉमी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सुकीकी के पास आती है और उसको किस कर देती है। कुछ ही सेकंड्स बाद सुकीकी खुद को संभालती है और टॉमी को धक्का देती है। आखिरकार टॉमी उसे कहती है कि मुझे पता है तुम हमेशा से तोशे को पसंद करती हो, और तुम जब भी हम दोनों को साथ देखती थी तो तुमको बहुत जलन होती थी। ये कहने के बाद वो अपने बालों को एक तरफ करती है और उसे वो निशान दिखाई देता है जो उस हादसे के दिन उसे लोहे के डंडे की वजह से मिला था। तभी सुकीकी को ये देखकर डर जाती है कि टॉमी के निशान में से एक अजीब सी चीज बाहर निकलती है और एक बदसूरत सा दिखने वाला फोड़ा उससे बात करने लगता है। सुकीकी टॉमी को धक्का देती है और भागते हुए अपने माता पिता के पास जाती है और उन्हें कहती है कि उसकी बहन एक राक्षस है, लेकिन वो उसकी बात पर उस समय यकीन नहीं करते। इसकी जगह वो उसको टॉमी से उल्टा माफी मांगने के लिए कहते हैं। फिर टॉमी उन सभी को रोकती है और कहती है कि उसे इस घर में नहीं रहना। वो अपना सामान उठाती है और घर से बाहर जाने लगती है।
तभी उसके पिता उससे भीख मांगते हैं कि वो इस घर में ही रुक जाए। उस समय सुकीकी को इस बात पर बहुत हंसती है कि उसके माँ बाप ये सोचते हैं कि टॉमी उन्हीं की बेटी है। और जब टॉमी उसके पिता के इतना मनाने के बाद भी उनके साथ रहने के लिए नहीं मान रही होती है, तभी गुस्से में उसके पिता उसके पीठ पर चाकू मार देते हैं और वहीं पर मर जाती है। वो उसी वक्त इस बात का पछतावा करते हैं, अब वो कुछ भी नहीं कर सकते और अपनी बेटी को कभी वापस नहीं ला सकते। उसके बाद पूरा परिवार टॉमी के शरीर को बाथरूम में लेके जाता है और उसको ठिकाने लगाने के लिए टुकड़ों में काट देता है। जब कोई भी नहीं देख रहा होता है तभी टॉमी की आंखें खुलती हैं और सुकीकी को घूरने लगती है। अगली सुबह पूरा परिवार एक साथ उठता है और बहुत ही ज्यादा थके हुए होते हैं। फिर जब उसकी माँ सुकीकी को के ले जाने के लिए खाना पैक कर रही होती है, तभी वो गलती से टॉमी के मास्क के कुछ टुकड़े उसमें डाल देती है। स्कूल में योशी देखती है कि सुकीको थोड़ी थकी हुई है, लेकिन जब वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तब सुकीकी को उसे कुछ भी नहीं बताती। लेकिन तभी टीचर उन्हें एक नए स्टूडेंट के बारे में बताती है जो वहां पर नया आया होता है। अब सुकी को ये देखकर चौंक जाती है कि वो नया स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन टॉमी है। हालांकि वो अपनी बहन को पहचान लेती है, लेकिन पूरी क्लास में से किसी को भी ये पता नहीं होता कि वो कौन है। फिर दोपहर को खाने के वक्त सुकी को योशी को इस बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और इस बात को खत्म करने के लिए कहती है। फिर सुकी को अपने खाने का डब्बा खोलती है और वो देखती है कि टॉमी के छोटे छोटे सर उस बेड़े के अंदर है। वो ये देखकर बहुत डर जाती है और वहां से भागती है और उस डब्बे को कूड़ेदान में डाल देती है। बाद में योशी उसको ढूंढते हुए आती है और उसे उस समय कूड़े में से एक आवाज सुनाई देती है। वहां देखने के बाद उसे सुकीकी को खाने का डब्बा मिलता है जिसके अंदर टॉमी के बहुत सारे छोटे छोटे सर होते हैं और ये देखकर वो बहुत ही डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन उन छोटे छोटे चेहरों में से सभी बहुत लंबी जीभ निकालते हैं और वो उसकी गर्दन दबाकर उसको वहीं पर मार डालते हैं। वापस घर में दिखाते हैं तो परिवार ने टॉमी के कटे हुए सर को कूड़ेदान में डाल दिया होता है। और जब उसके पिता अकेले होते हैं तब टॉमी का सर अचानक से कूड़ेदान से बाहर निकलता है और उनसे मदद मांगता है। उसके पिता को लगता है कि वो सपना देख रहे हैं, लेकिन तभी टॉमी उनसे कहती है कि उसे वापस से अपने शरीर में आने के लिए परिवार के किसी भी सदस्य में से किसी को खाना होगा। और फिर वो अपने पापा को अपनी माँ को मारने के लिए कन्विंस कर ही लेती है। इसी दौरान स्कूल में दिखाते हैं तो सुकी को उसे मिलने तोशियो आता है और उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी अपनी बहन की मौत के हादसे को भुला नहीं पाई है। उनकी इस बारे में काफी देर तक बात होती है, जिसके बाद सुकीकी को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। वो बहुत खुश होती है कि आखिरकार तोशियो उसके साथ है। वो उसे जूडो के क्लब में उसकी और अपने कुछ दोस्तों की फोटोज खींचने के लिए भी बुलाता है। जब वो वहां पर होते हैं तो टॉमी भी वहां पर आ जाती है और लड़कों को लड़ने के लिए चुनौती देती है। अब तोशियो उसको जिंदा देखकर बहुत हैरान रह जाता है, लेकिन वो उसको बिल्कुल अनदेखा कर देती है। एक आदमी उससे लड़ने के लिए आगे आता है और वहां मौजूद सभी हैरान हो जाते हैं जब टॉमी उसको आसानी से हरा देती है। इसके बाद तोशियो उससे पूछता है कि वो वापस कैसे आ गई, लेकिन टॉमी को याद ही नहीं होता कि तोशियो कौन है। वो उसे फर्श पर गिरा देती है और उसके होंठों पर किस करने लगती है। अब सुकीकी को ये सब देखती है और उसको देखकर बहुत जलन होती है। स्कूल के बाद वो टॉमी से पूछती है कि तुम कौन हो, और जब वो उसकी बात का जवाब नहीं देती तो सुकीकी को उसको धमकी देती है कि तुम मुझसे और तोशियो से दूर ही रहना। घर लौटने पर वो देखती है कि उसकी माँ गायब है और उसके पिता के पास एक अजीब सा बैग होता है जिसमें दवाई होती है। सुकीकी को ज्यादा नहीं सोचती और अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी ओर उसके पिता टॉमी के कटे हुए सर को खाना खिला रहे होते हैं और तब पता लगता है कि उसने उनकी माँ को टॉमी के कहने पर मार दिया था। टॉमी का सर अपने पिता से कहता है कि वो उसकी माँ की जीभ को काटे और उसको खिलाए। उसके पिता उससे कोई सवाल नहीं पूछते और वैसा ही करते हैं जैसा वो कहती है। अगले दिन तोशियो सुकीकी को अनदेखा कर देता है और वो टॉमी के हाथ में हाथ डाले चल रहा होता है। अब ये देखकर सुकीकी का दिल ही टूट जाता है और वहां से भाग जाती है। बाद में स्टूडियो में सुकीकी को कुछ फोटोज बना रही होती है, तभी योशी उससे मिलने आती है। अब क्योंकि सुकीकी को ये नहीं पता कि योशी तो मर चुकी है, इसीलिए वो उससे आराम से बात कर रही होती है। लेकिन जल्दी योशी उसको अपना कंधा दिखाती है जिस पर बिल्कुल टॉमी जैसा फोड़ा होता है। फिर उस अजीब सी जीप को देखकर सुकीकी को बहुत डर जाती है और वहां से भागती है। भागते भागते वो उसी कमरे में पहुंच जाती है जिसमें जूडो टीम के कुछ खिलाड़ी आराम कर रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि उन्हें किसी को मारने का मन कर रहा है और साफ तौर पर ऐसा लगता है कि वो सभी किसी कब्जे में हैं। सुकीकी को वहां से भी भाग जाती है और उसके बाद योशी कमरे में आती है और कमरे में मौजूद लोगों से सुकीकी के बारे में पूछती है। वो उस फोड़े को देखते हैं जो बात कर रहा होता है और वो सभी घबरा जाते हैं। सभी उसे पकड़ते हैं और फोड़े की वजह से उसको मारने का फैसला करते हैं। फिर सुकीकी को कॉरिडोर से भागते हुए एक कमरे में पहुंच जाती है जिसमें तोशियो टॉमी को हंसते हुए लगातार चाकू से मार रहा होता है। टॉमी का शरीर अपने आप ही खून के पोल में तैर रहा होता है और जब सुकीकी को उसको बुलाती है तब वो होश में आता है और वो उसको मारने के लिए टॉमी से माफी भी मांगता है। सुकीकी को उसको वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन वो टॉमी की लाश के साथ ही रहना चाहता है। और तभी अचानक से खून हिलने लगता है और उस खून में से एक नई टॉमी बन जाती है। नई टॉमी और तोशियो एक दूसरे को किस करते हैं जबकि सुकीकी को उन्हें डरते हुए देख रही होती है।
वापस दूसरे कमरे में जुड़ो की टीम घास काटने वाली कैंची से योशी का सर काटने वाले होते हैं। योशी उनसे अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन उसके कंधे की फोड़े की वजह से वो उसको जान से मार डालते हैं। वो उसका सर काट देते हैं और उसका सर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद उसके शरीर को ठिकाने लगाने के लिए वो कोई आइडिया सोचते हैं। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ सोचते, तभी उसका शरीर उठता है। फोड़े ने उसके सर की जगह ले ली होती है और शरीर पर कब्जा कर लिया होता है। वो भागते हुए उनकी तरफ जाती है और बाद में वहां से भाग जाती है। टॉमी और तोशियो अभी भी किस कर रहे होते हैं और गुस्से में सिक्की को तोशी की गर्दन पर चाकू मारती है, जिसकी वजह से वहीं मर जाता है। फिर वो टॉमी के मरने की दुआ मांगती है और वो उसके चेहरे पर चाकू मार देती है। इस सब की वजह से टॉमी का शरीर फट जाता है और उसका खून हर जगह फैल जाता है। उसके बाद योशी का बिना सर का शरीर सुकीकिको का स्कूल में पीछा करने लगता है। वहां से दूर भागते हुए सुकीकिको जुडो टीम के पास पहुंचती है और देखती है कि वो सभी मर चुके हैं। वो उनको अनदेखा करती है और सीढ़ियों से भागकर ऊपर अपने आप को एक कमरे में बंद कर देती है। वो सोच रही होती है कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन तभी वहां पर पड़ा कूड़ादान हिलने लगता है और जिस टॉमी के शरीर के टुकड़े उसके पिता ने किए होते हैं, वो उसी टॉमी का सर होता है। उसके पिता ने उसे जो खाना खिलाया होता है, उसी की वजह से उसका शरीर वापस बनने लगा होता है। उसके दो बालों से भरे हुए पैर होते हैं, लेकिन उसका धड़ नहीं होता। यहाँ तक कि उसके बालों में उसके छोटे छोटे सर लटक रहे होते हैं। फिर उसे पीछा छुड़ाने और डरते हुए वहां से निकल जाती है, लेकिन एक और टॉमी लॉकर से निकलकर उसके सामने आ जाती है। अब योशी भी कमरे में घुसती है और सुकीकिको को घेर लेती है और वो डर के मारे बेचारी बहुत रोने लगती है। तभी उनमें से एक उसको किस करने के लिए आगे बढ़ती है। अचानक से सुकीकिको अपने बेड पर उठती है और उसको पता लगता है कि वो तो सिर्फ एक सपना देख रही थी। जब वो नाश्ता करने के लिए अपने परिवार के साथ बैठती है, तभी उसे पता चलता है कि वो अपने माँ पिता की इकलौती औलाद है। वो अपने आप पर हंसती है कि उसे लगा कि यह सपना सच है। लेकिन तभी उसके पिता प्लेट में रखे बालों को खाना शुरू कर देते हैं। वो मदद मांगने के लिए अपनी माँ के पास भाग कर जाती है, लेकिन वो रुक जाती है जब उसकी माँ का सर उल्टा लटक रहा होता है। उसके माता पिता सुकीकिको को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं और जब वो भागने की कोशिश कर रही होती है, तभी वो एक कमरे में टॉमी के बड़े से सर को देखती है। उस सर में से बहुत से कीड़े निकलते हैं जिन पर उसका सर बना होता है। वो बड़े कीड़े सुकीकिको का पूरा घर में पीछा करते हैं और इसी बीच उसके माता पिता को जान से मार डालते हैं। जब वो भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, तब तोशियो उसी रास्ते में मिलता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। अब कुछ ही सेकंड बाद योशी उसके सामने आती है और वो भी उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको भी धक्का देती है और कीड़े योशी को खा जाते हैं। सुकीकिको अपने आप को अब एक कमरे में बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है जब टॉमी का बड़ा सा सर उसे दरवाजे से देख रहा होता है। हालांकि सुकीकिको उसकी फोटोज लेने लगती है ताकि टॉमी वहां से भाग जाए। अब कुछ देर बाद वो सीढ़ियों से नीचे जाती है और बड़ी टॉमी से कहती है कि वो इकलौती इंसान है जो उसे समझती है। फिर कीड़ों के सुकीकिको को मारने से पहले दोनों बहनें एक दूसरे से झगड़ा खत्म कर देती है और मूवी के आखिर में दिखाते हैं कि सुकीकिको घर से बाहर निकलती है और वो बिल्कुल टॉमी जैसी लग रही होती है। वो शहर में जाती है और उसे हर जगह टॉमी का चेहरा दिखाई देता है। तभी उसको एक आदमी मिलता है और वो उसके साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और आखिर में वो आदमी उसको चाकू से पूरी तरह मार रहा होता है। सुकीकिको का मरा हुआ शरीर शीशे में देख रहा होता है, लेकिन उसी शीशे में टॉमी का चेहरा दिखाई दे रहा होता है। दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ पागलों की तरह देख रही होती है और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों इस मूवी में ये नहीं बताया गया कि ये सब कुछ क्यों हो रहा था। बाकी अगर आप गैस कर सकते हैं तो कमेंट से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।